सस्त्रियाकाल वेलकम बैक टू यू ऑन YouTube चैनल मैम साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइटल से और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया और इंडियन के सेंटीमेंट से रिलेटेड है कि वाई इंडियन सेंटीमेंट्स आर नॉट अगेंस्ट रशिया, मतलब रशिया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते और उनकी फीलिंग्स क्यों नहीं है रशिया, मतलब हमेशा वो रशिया क्या आगे पीछे क्यों होते हैं, सपोर्ट क्यों करते हैं एक्चुअली। तो आज हम इसी वीडियो को जानेंगे, देखेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप मुझे बता सकते हैं आपको इसके बारे में कुछ भी शेयर करना है, सो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो ओरिजिनल वीडियो आप वहां से वॉच कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कि भाई रशिया के साथ इंडिया के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। और इंडियंस के सेंटीमेंट्स क्यों अगेंस्ट नहीं है रशिया के, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से मॉस्को समेत दुनिया भर की कैपिटल्स में हजारों लाखों लोग नो टू वॉर के बड़े बड़े प्लेकार्ड्स लेकर रशिया को कंडम करते हुए नजर आए। साथ ही ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कितने हफ्तों से नो टू वॉर और स्टॉप पुतिन्स वॉर जैसे एंटी वॉर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दुनिया के हर कोने में, हर प्लेटफॉर्म पर पब्लिक सेंटिमेंट्स रशिया के खिलाफ उबल रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि रशिया के अगेंस्ट इंडिया में अभी तक इस लेवल पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पब्लिक सेंटीमेंट लार्जली पुतिन और रशिया के सपोर्ट में रहा है। जहाँ एक तरफ वेस्टर्न कमेंटेटर्स इंडिया को रशिया के खिलाफ न जाने के लिए लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन गवर्नमेंट के इस डिप्लोमेटिक स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग इसको इंडियन मोरालिटी का डेथ मूवमेंट भी बता रहे हैं। कई क्रिटिक्स तो ये तक कह चुके हैं कि इंडिया का विश्व गुरु बनने का सपना उसके साइलेंस से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के प्रेसिडेंट रिचर्ड हैस के मुताबिक इस क्राइसिस में इंडिया का रिस्पांस ये बताता है कि इंडिया अभी भी एक मेजर पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने के लिए तैयार नहीं है। और तो और, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एक डिपेंडेबल पार्टनर बनने लायक नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स आज ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अपने मोरल स्टेचर को बचा पाएगा, कब तक इंडिया यूं ही चुप्पी साध कर रख पाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि मोरालिटी के लेक्चर देने वाली वेस्टर्न कंट्रीज के ये क्लेम्स जायज हैं क्या? उसी से हमें ये पता चल पाएगा कि इंडिया में प्रो रशियन पब्लिक सेंटीमेंट का आखिर क्या कारण है और तो और, ये कितने जस्टिफाइड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज इंडियन पब्लिक के सेंटीमेंट्स को समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा या हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को गौर से देखना होगा। दोस्तों, अक्सर ही कहा जाता है कि द रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। यानी कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपका साथ निभाए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप इस कहावत में एकदम सटीक बैठती है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि किस तरह पहले यूएसएसआर और फिर रशिया ने समय समय पर पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर इंडिया की सहायता की है। इस रिलेशनशिप ने समय की सभी परीक्षाएं पास की हैं। लेकिन वही अगर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप की हिस्ट्री पर गौर करें तो वह एक रोलर कोस्टर राइड के समान रही है। ये तो आप जानते हैं कि इंडिया ने कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत से ही अपने लिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चुना था, यानी कि उसने कोल्ड वॉर एरा के दोनों गुटों में से किसी एक को चुनने से इनकार कर दिया था। जहां एक तरफ यूएसएसआर ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने इसको अनफ्रेंडलीनेस का साइन बताते हुए क्रिटिसाइज किया। शुरुआत में चीजें थोड़ी ठीक रहीं, लेकिन रिलेशंस एक बुरे फेज में तब पहुंचे जब यूएसए इस कोल्ड वॉर को इंडिया के डोरस्टेप्स पर ला पहुंचा। हम बात कर रहे हैं यूएस के द्वारा बनाई गई दो मिलिट्री अलायंसेस, सीएटओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। इन दोनों को मिलिट्री अलायंसेस में पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल था, जिसकी वजह से इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को खतरा बना रहता था। 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर ने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया।
इस पॉइंट पर पहली बार इंडियन पब्लिक ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस के अलायंस की बात की। इसके साथ उन्होंने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को रद्द करने की मांग की। पब्लिक में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए यूएस को लगा कि शायद इंडिया अब एक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखते ही देखते जब चाइनीज इन्वेजन बहुत ज्यादा बढ़ गया तब इंडियन गवर्नमेंट ने वॉशिंगटन से अर्जेंट मिलिट्री सप्लाईज की मांग की। तब यूएस ने इंडिया की मदद तो की लेकिन बेहद रिस्ट्रिक्टेड वे में। जी हाँ, उन्होंने इंडिया को केवल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कुछ स्मॉल आर्मामेंट्स ही प्रोवाइड किए और उन्होंने ऐसा अपने एलाई पाकिस्तान के कहने पर किया। पाकिस्तान ने यूएस से ये पहले ही कह दिया था कि अगर इंडिया को ज्यादा वेपन्स दिए गए तो वो कल को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूएस के इस लिमिटेड रिस्पॉन्स को देखते हुए इंडिया में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन ड्रेस्टिकली डिक्रीज होने लगा। इतना ही काफी नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग छिड़ गई। हिस्टोरियंस बताते हैं कि ना सिर्फ इस वॉर में यूएस ने पाकिस्तान की निंदा करने से मना कर दिया बल्कि यूएस ने उसको चोरी छुपे उसके वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इसके अलावा 1960s में वियतनाम वॉर के दौरान यूएस द्वारा की गई क्रुएलिटीज ने इंडियन पब्लिक की ओपिनियन को उसके अगेंस्ट कर दिया। 1970s का डिकेड इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप का सबसे बुरा फेस था। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के बीच बहुत मतभेद हुए। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दी गई और ब्रिटिश शिप्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अटैक करने के लिए खड़ी थी। इंडिया को हर तरफ से घेर लिया गया। ऐसे में अगर कोई देश इंडिया के साथ खड़ा था तो वो था सोवियत रशिया। इंदिरा गांधी और निकिता खुरुशेव ने 8 अगस्त 1971 को इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि अगर इंडिया पर कोई अटैक हुआ तो वो रशिया के ऊपर भी एक अटैक माना जाएगा। इसी के चलते रशिया ने व्लादिवोस्तोक से अपने नेवल वेसल्स फ्लीट डिस्पैच की जिन्होंने अमेरिकन शिप्स को इनसर्कल किया और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में जाने से रोक दिया। इसी के चलते न सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रोका गया बल्कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया गया। ये विक्ट्री भारत के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज में से एक थी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के साथ साथ किसिंगर जैसे कई पॉलिसी मेकर्स इस दौरान चाइना को इंडिया पर अटैक करने के लिए भी इनकरेज कर रहे थे। और तो और इस वॉर के थ्रू यूएस ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट की उसे न जाने कितने हजारों लोगों की जान ली और लगभग 1 करोड़ लोगों को इंडिया में शरण लेनी पड़ी। आपको बता दें कि ये नंबर यूक्रेनियन रेफ्यूजीज से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं है लेकिन यहाँ यूएस अगर अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में झांक कर देखे तो हमें पता चलता है कि उसका एक मोरल क्राउन पहनकर इंडिया को मोरल लेक्चर देना जस्टिफाइड नहीं है। खैर, इतना ही काफी नहीं था कि 1972 में यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए। देखा जाए तो यहाँ यूएसए इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था, यानी अब इंडिया के दोनों सबसे बड़े राइवल्स को यूएस का सपोर्ट हासिल था। 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेट किया तब पाकिस्तान की मदद से ही यूएसए ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का सपोर्ट किया। यानी इस दौरान यूएस और पाकिस्तान पहले से और ज्यादा क्लोज हो गए थे और इंडिया के ऊपर टेररिज्म का खतरा बढ़ने लगा। इस दौरान चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस भी बहुत तनाव में थे जिसकी वजह से इंडिया और यूएसएसआर चाइना को कंटेन करने के लिए एकजुट हो गए। यहाँ पर यूएसए ने यूएसएसआर को ये खुली चेतावनी दी कि अगर इंडिया और चाइना के बीच फिर कोई वॉर होता है तो यूएसएसआर इंडिया की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ तब एक बार फिर यूएसए ने इंडिया के पीठ पीछे वॉर किया। इस दौरान यूएसए ने इंडिया को अपना जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम देने से मना कर दिया। हालांकि इंडिया कारगिल वॉर तब भी जीत गया लेकिन यूएस अगर वो सैटेलाइट सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड कर देता तो इंडिया के लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो सकता था। इसके अलावा 1974 और 1998 में जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए तब यूएसए ने इंडिया पर सबसे सीवियरेस्ट सैंक्शंस की बौछार की। खैर, अब आप देख सकते हैं कि कैसे यूएस ने हर बार इंडिया के अगेंस्ट जाकर उसका भरोसा तोड़ा है। मॉरिशस सभी क्रूशियल जंक्शंस पर इंडिया का साथ दिया है। डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ रशिया ने इंडिया का इंटरनेशनल स्टेज पर हाथ थामे रखा है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370, गोवा के इंडिपेंडेंस हो या फिर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। रशिया ने हर बार यूएनएससी में वीटो करते हुए इंडिया का सपोर्ट किया है। इसके अलावा G20, ब्रिक्स, SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया को रशिया का पूरा सपोर्ट हासिल हुआ है।
फिर स्ट्रेटजिक एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने ही चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया को एससीओ में इन्वाइट किया। दो साल पहले कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जब इंडिया चाइना के एग्रेशन से लड़ रहा था, उस समय यूएसए ने इंडिया से मुंह मोड़ लिया। वो रशिया ही था जिसने अपनी डिफेंस सप्लायर्स के थ्रू इंडिया को चाइना को काउंटर करने में मदद की थी। अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक सेंटिमेंट्स को बेहतर समझ सकते हैं, तो चलिए इनको भी देखते हैं। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन को समझना कोई आसान बात नहीं होती है। यूं तो इंडिया की आधी से ज्यादा प्रेजेंट पॉपुलेशन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जन्मी है। ये उस जनरेशन को बिलोंग करती है जब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस कोल्ड वॉर एरा के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव टर्न लेने लगे थे। इंडिया और यूएस बदलती जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को ध्यान रखते हुए अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिजास्टर से गुजर रहा था। रशिया के पास कोई हॉलीवुड नहीं था। रशिया के पास लास वेगस या न्यूयॉर्क जैसी कोई चार्मिंग सिटी नहीं थी जो इंडियन मिडिल क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ना ही रशिया के पास एप्पल के डिवाइसेस या मैकडॉनल्ड्स के अल्टरनेटिव्स मौजूद थे। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रशियन रूबल हमेशा से ही वीक था। इंडिया की मिलेनियल जनरेशन यूएस को अपनी स्टडी, वर्क और जॉब के लिए हमेशा एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखती आई है। यहाँ तक कि जो लोग पूरे कोल्ड वॉर एरा के दौरान इंडिया और यूएसएसआर की रिलेशनशिप को देखने के लिए मौजूद थे, वो भी आज अपने बच्चों के लिए रशिया से ज़्यादा यूएस या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज प्रेफर करते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलर कल्चर, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम या फिर एस्पिरेशनल डायमेंशंस पब्लिक सेंटिमेंट को किसी देश के फेवर में मोड़ने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। भले ही आज इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पहले से काफ़ी बेहतर मोड़ पर हैं, लेकिन इंडियन पब्लिक आज भी इतिहास को नहीं भूली है और ना ही वो ये भूले हैं कि यूएस का उसके एलाइज के साथ कैसा रिकॉर्ड रहा है। वो हेनरी किसिंगर के शब्दों को नहीं भूले हैं जब वो कहते थे कि अमेरिका का एनिमी बनना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का फ्रेंड होना जानलेवा है। इतिहास ने इंडियन पब्लिक को यूएस की हिपोक्रेसी से बहुत अच्छे से रूबरू करवाया है। इस हिपोक्रेसी की तो सीमा आज भी नहीं है। जो यूएस हमेशा से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता आया है, वो आज इंडिया से ये पूछ रहा है कि इंडिया यूरोप की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है। जो यूएसए इस वॉर की शुरुआत में ये कहता था कि वो इंडिया और रशिया की यूनिक रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आज अपनी टोन्स बदलकर इंडिया को अलग अलग तरीके से थ्रेटन कर रहा है। वो यूएसए आज इंडिया को मोरालिटी के लेक्चर्स दे रहा है। और तो और, आज वेस्ट का कहना है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो उसको वेस्ट के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी यूरोप और नेटो कंट्रीज रशिया से हर दिन ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं। वेस्ट की यही क्लासिक हिपोक्रेसी आज इंडियन पब्लिक के डिस्ट्रस्ट का कारण है। इस सब के बावजूद भी अगर यूएसए एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया अपने एक ऑल वेदर डिपेंडेबल एलाई को धोखा देकर यूएसए को सपोर्ट करेगा, तो शायद ये उसकी गलती है। और उसकी यही सब गलतियां आज इंडियन पब्लिक के प्रो रशियन सेंटिमेंट्स का कारण है। यहाँ एक बार को और मान लीजिए कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल भी देता है, तो क्या रशिया रुकने वाला है? अभी तक के सभी एनालिसिस हमें यही बताते हैं कि रशिया की डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती तब तक रशिया किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसे में इंडिया रशिया को कंडम कर भी दे तो इस वॉर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा इसके बाद रशिया और चाइना और भी क्लोज आ जाएंगे और इंडिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया या इंडियन पब्लिक वॉर के एक्ट को सपोर्ट कर रही है या फिर उसमें की जा रही ह्यूमन एट्रोसिटीज को बढ़ावा दे रही है। इंडिया लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट को एक पीसफुल डायलॉग के जरिए सुलझाने की बात कर रही है। इंडिया अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो है उसके नेशनल इंटरेस्ट। ये वॉर इंडिया का वॉर नहीं है। एक एग्रेसिव रशिया वेस्ट और नेटो की प्रॉब्लम है, इंडिया की नहीं। उसी तरह नेटो का एक्सपेंशन रशिया का प्रॉब्लम है, इंडिया का नहीं। जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट आते हैं और बाद में आती हैं मोरालिटी और बाकी चीज़ें। देश कोई भी हो, क्राइसिस कोई भी हो, फॉर्मूला यही लगेगा, वरना वो देश गेम में टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि आखिर क्यों इंडियन पब्लिक का एक प्रो रशिया स्टैंस हमेशा से रहा है और क्यों पब्लिक ओपिनियन रशिया के हक में रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रशिया और इंडिया यूएस टाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के GS2 पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी टुवर्ड्स यूक्रेन क्राइसिस रीइन्फोर्सेस द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल रियलिस्ट एरा ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? एक्सप्लेन।
With that question, my friend, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. वैसे कहने को तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है, और जाहिर सी बात है जब स्ट्रांग जो चीज होती है उसको ज्यादा ही वैल्यू दी जाती है, उसको वो ज्यादा ही सर पर चढ़ाया जाता है। जैसे कि यूएस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारी कंट्रीज हो गई, कनाडा हो गया, मतलब इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा ही मतलब उनकी एक डिमांड है, एक वैल्यू है, हर कोई सेलेक्ट करता है उनकी कंट्री को। स्टडी हो गई, चाहे वो जॉब के लिए हो गया, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो गया, हर चीज़ के लिए, मतलब उन्होंने खुद को इतना अच्छा बना दिया है। इवन दो वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम देखें तो सिलेक्ट फिर भी लोग उसी को ही करते हैं। लेकिन जब बात आती है कंट्री की गवर्नमेंट की और फिर दोनों गवर्नमेंट्स, तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से अपना रोल अदा कर रही है वो सबके सामने है। और हिस्ट्री के बारे में भी आपको आइडिया होगा, और जैसे कि इस वीडियो में भी बताया गया है कि यूएस ने जो जो हरकतें की हैं इंडिया के साथ, जैसे कि इंडिया को वेपन्स नहीं दिए गए, और इस वीडियो में बताया गया है कि जो पाकिस्तान है उनके कहने पर इन्होंने इंडिया को वेपन्स नहीं दिया, वरना 1965 में जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से इंडिया जो है वो लड़ सकता था। तो मतलब कि इसमें ये साफ होता है कि यूएस ने हमेशा इंडिया को उस लेवल से, उस तरीके से लेकर नहीं चला जिस तरह से इंडिया को लेकर चलना चाहिए था, मतलब न्यूट्रल होकर चलता, लेकिन नहीं। खैर, उस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान के साथ, इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे यूएस के साथ, लेकिन अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन इनका इतना खास नहीं है यूएस का, और एब्सोल्युटली नॉट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर, अब बात करते हैं सैंक्शन की। तो सैंक्शन इन्होंने रशिया के ऊपर लगा दिए हैं, और यूक्रेन वॉर के बाद तो इन्होंने हद पार कर दी है, मतलब कि जो इनके साथ किया, मतलब इससे पहले इंडिया के साथ इन्होंने किया स्टार्ट से लेकर अब तक, और इन्होंने वेपन्स बंद कर दिए और फिर छुपके से हेल्प किया पाकिस्तान का, और फिर उसके बाद मतलब कि इन्होंने जितना हो सका इंडिया को डाउन करने की और गिराने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने हमेशा अपने आप को बराबर में रखा, कभी भी ये नहीं कहा कि उसने गलत किया, उसने किया, लेकिन वो हमेशा बराबर में रहा। लेकिन जब दोस्ती की बात आई तो इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहने के साथ साथ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से रशिया का साथ दिया, क्योंकि रशिया ने वाकई में ही इंडिया का उस वक्त साथ दिया जब यूएसए ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया था। तो रशिया का जाहिर सी बात है इंडिया को, चाहे वो तेल थोड़ा महंगा पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने ऑयल उनसे बाय किया, उनकी हेल्प किया, ठीक है। और जाहिर सी बात है ऑयल जब आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है, क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, तो जाहिर सी बात वो खरीदेंगे। लेकिन यहाँ मजे की बात तो ये है कि जो यूएस है वो सैंक्शन लगा के बैठा हुआ है, हालांकि उनकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी खासी है भी नहीं, कभी उनके फैसले कैसे होते हैं कभी कैसे होते हैं, लोग भी सोचते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब इनको खुद ऑयल की बात आती है तो सैंक्शन लगाने के बावजूद भी ये लोग इनसे बाय कर रहे हैं ऑयल। ये बात मुझे भी हैरानगी हुई है कि यार, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ, इन लोग यही वो लोग हैं जिन्होंने सैंक्शन लगा दिए, फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो ऑयल भी बाय कर रहे हैं। हालांकि क्यों ना लें भाई, सस्ता भी मिल रहा है, और जो है वो डायरेक्ट ना लें लेकिन इंडिया के थ्रू ले लें, किसी और कंट्री के थ्रू ले लें, क्योंकि अभी इंडिया जो ऑयल बाय कर रहा है वो तो अपनी करेंसी में कर रहा है, इंडियन रुपी में। और इसके साथ साथ इंडोनेशिया जो है उन्होंने भी इंडिया से अब रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई अपनी, हम आपको पे करते हैं, आप हमें ऑयल लेके दे दो। क्योंकि अब यहाँ से आइडिया लगा लो कि इंडोनेशिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट बाय कर सकें, क्योंकि उनको डर है यूएस का कि कहीं उन पर भी कोई मसला ना हो जाए, इसलिए वो इंडिया को आगे रख रहे हैं, और उनको पता है कि इंडिया इनको संभाल लेगा। तो खैर, इसी से ही आप आइडिया लगा लो कि यूएस से लोग दूसरी कंट्रीज कितना डरती हैं, लेकिन इंडियन कंट्री नहीं। और दूसरी बात, हालांकि इन लोगों को भी पता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे यूएस में तो हमारे लिए दिक्कत होगी, हम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, लेकिन उससे बेहतर उन्होंने समझा कि वो अपने उस कंट्री को, नेबरहुड कंट्री को सपोर्ट करें जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में साथ दिया था जिस वक्त किसी और ने साथ नहीं दिया था। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंडिया, रशिया और इंडियन लोग जो है वो शुरू से लेकर मैंने अब तक देखा है यूक्रेन को नहीं बल्कि रशिया को अब तक वो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो न्यूट्रल होकर सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कहते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम इसके साथ उसके साथ है, लेकिन ये ज़रूर करते हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो उन लोगों से कांटेक्ट में हैं, और मतलब कि उनसे ऑयल बाय करके, कोयला बाय करके साथ सिस्टम चला रहे हैं।
अब यूएस को भी पता है कि सैंक्शन तो हमने लगा दिए हैं, लेकिन ये है कि कल को कोयला हम बाय अगर हम ये चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कल को हम क्या करेंगे, हमारा तो जो है वो सिस्टम आउट हो जाएगा। जाहिर सी बात है उनको इतना ऑयल कहाँ से लाएंगे, इतना कोल कहाँ से लाएंगे, ये नेचुरल जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लाएंगे। जाहिर सी बात है उनको तो चाहिए ही है, और फिर वो लोग बस ले रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो ये रशिया को सपोर्ट करते यार, उनकी हेल्प करते, लेकिन नहीं, उन्होंने तो यूक्रेन की हेल्प करनी थी। खैर इन लोगों की जब खुद साफ नहीं है ना दिल, तो फिर इनके साथ भी अच्छा नहीं होता, और इनके साथ भी जो हो रहा है या होगा, और जिस तरह से इंडिया अभी भी देखो जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आने वाले वक्त में इंडिया इनको बीट करेगा ये भी आप देख लेना, और डेवलप किस तरह से होगा ये भी जो है वो दिख रहा है, कितने जल्दी से इंडिया डेवलप होगा और इनको पीछे छोड़ देगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।